नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई उबले आलू की सब्जी। मैंने आधा किलो आलू को धोकर इस तरह से थोड़ा सा नमक डाल के उबाल लिए हैं और मेरे आलू उबल गए हैं। अब मैंने इसको छील के इस तरह से तैयार कर लिए हैं। और इसको तड़के के लिए चाहिए मुझे इसमें 3 लहसुन की कलियाँ जो मैं काट के मैंने तैयार कर ली है, साथ में चाहिए 4 हरी मिर्च, जो कि मेरी हरी मिर्च लाल हो चुकी है फिर भी मैंने इसको इस तरह से कट कर लिए हैं। अब जिसमें मैंने लिए हैं जखिए के बीज, आप दोस्तों इसमें राई, सरसों या फिर जीरा के बीज भी आप ले सकते हैं, मैंने इसमें जखिया लिया है। अब मुझे चाहिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज, मैंने मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिए हैं। और इसके साथ हमें चाहिए रिफाइंड ऑयल, आप दोस्तों इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। मसालों में चाहिए 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। चलिए बनाते हैं। एक पैन में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के इसमें मैंने जखिया के बीज डाल दिए हैं। अब मैं इसमें कटी हुई हरी लाल मिर्च डाल देती हूँ और फिर इसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ कटे हुए लहसुन। अब इसको दोस्तों 2-3 सेकंड के लिए ही इसे भूनना है और फिर इसको भून के इसमें डाल देते हैं हम कटे हुए प्याज। दोस्तों इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है, इसको आप पराठे के संग और डोसा के संग और पाव के साथ, आप इसको सैंडविच के साथ भी इसको आप फिलिक्स से इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैंने आलू को फोड़ लिए थे हाथ से ही, अब मैं फोड़े हुए आलू को इसमें पैन में डाल देती हूँ और इसको डालने के बाद मैं इसमें मसाला डालती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें नमक डालती हूँ स्वाद अनुसार और लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ मैं हल्दी पाउडर और थोड़ी सी धनिया पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। दोस्तों इसको अच्छी तरह मिक्स करते करते ही ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाती है। अब इस मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है, इसमें मैं डाल देती हूँ अमचूर पाउडर थोड़ा सा। अब थोड़ा सा अमचूर पाउडर को डाल के इसको 2-3 सेकेंड के लिए हमें भून लेना है, मिक्स कर लेना है, यानी कि इसको हमने मिक्स कर लिया है और अब हमारी सब्जी तैयार हो गई है दोस्तों। और मेरे पास थोड़े से पाव रखे थे, मैंने इसकी फीलिंग्स को पाव में भर लिए हैं। और आप भी बनाइए दोस्तों, मिलती हूँ मैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।